और अभी 1 अगस्त से 9 अगस्त तक हमारा मॉनसून वीक कंडीशन था, और वीक मॉनसून कंडीशन का वजह से रेनफॉल अमाउंट कम था, तो 28.5 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है टोटल रेनफॉल इन 9 दिनों में। इस 9 दिनों में स्वाभाविक होता है 115.4 मिलीमीटर, तो अगस्त में अभी हमारा 1 अगस्त से 9 अगस्त तक 75% डेफिशिएंसी है। तो इसका वजह से हमारा सीजनल डेफिशिएंसी 1 जून से 31 जुलाई तक हमारा 19% था, अभी 1 जून से आज 9 अगस्त तक 28% हो गया है इंक्रीज होकर के। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी हमारा 20 डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट है, 10 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक कैटेगरी में है। अभी टोटल रेनफॉल हुआ है 484.8 मिलीमीटर, 677.7 मिलीमीटर इस समय तक स्वाभाविक होता है, तो स्टेट में 28% डेफिशिएंसी है। और 4 डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंसी ज़्यादा है 40% एंड मोर, वो 4 डिस्ट्रिक्ट है भद्रक, बोलांगीर, गजपति एंड जाजपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में 40% एंड मोर डेफिशिएंसी है। अभी हमारा मॉनसून ट्रफ जुलाइन जो है ये नॉर्थवर्ड लोकेशंस में है, बिहार हमारा यूपी बिहार का थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का में जा रहा है, तो स्वाभाविक से नॉर्थवर्ड लोकेशंस में है, तो मॉनसून वीक कंडीशन अभी प्रिवेल करने का चांसेस है। अगला 4-5 दिन में मेनली जो है 1-2 दिन में स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ ही जो रेनफॉल होगा उसका 2 दिन बाद, उसका बाद फिर 11-12 मीन्स 9-10 आज और कल स्कैटर्ड वे में कुछ कुछ स्थानों पर ही हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ ही होगा, और 11 एंड 12 में थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज होने का चांसेस है, उसमें मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश होने का चांसेस है, फिर 13 को फिर कम होने का चांसेस है, कुछ कुछ स्थानों पर ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो है अगला 5-6 दिन में बारिश अभी कम ही रहेगा, स्वाभाविक से कम होने का ही चांसेस है। और क्योंकि अभी हमारा वीक मॉनसून कंडीशन रहेगा, और भुवनेश्वर सिटी में मेनली पार्टली क्लाउड पार्टली टू जनरेटेड क्लाउड स्काई रहेगा, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का चांसेस कुछ कुछ एरिया में है।